हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 गणित के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 गणित का 21 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग पेपर में 95% जरूर लाओगे, ठीक है। हिंदी के पेपर में बच्चों ने धुआं धुआं उड़ा दिया है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए हैं। जो मैंने बताया था वही हिंदी के पेपर में आया है, 95-99 मार्क्स तक बच्चे करके आए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, तो आज मैं आप लोगों को गणित का एक वायरल पेपर, जैसा आपका 21 फरवरी को गणित का पेपर आने वाला है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। आज का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग भी मैथ में 95 लाओगे, ठीक है। आपके पास वहां समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, और आपको, ठीक है, इसी 3 घंटे 15 मिनट में अच्छे से सॉल्व करना है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, 3 घंटे सॉल्व करना है, ठीक है। 21 फरवरी को यही पेपर आएगा, आपको इसी प्रकार का पेपर मिलेगा, ठीक है। आप लोग पूरा पेपर तैयार करके जाना, मैं आपको सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। और अगर आपका 21 फरवरी को पेपर है, और अगर आप 20 फरवरी के आधी रात को भी देख लेते हो, तो आप लोग हिंदी, जो आप लोगों का गणित का पेपर है, इसमें फोड़ कर आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। गणित के पेपर में आप लोग धुआं धुआं उड़ाओगे, ठीक है। तो अगर आप लोग आधी रात को भी देख लेते हो, तो पूरा देखना, और आप लोग 95% पक्का लाओगे गणित के पेपर में। तो इसमें जितने क्वेश्चंस बताए जाएं, पूरा आपका पेपर है, ठीक है। तो पूरे पेपर को समझ कर जाना, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, आप लोग ये पूरा क्वेश्चन तैयार करना, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी समझाऊंगा, ठीक है। तो यह है गणित, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 3 घंटे इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट प्रश्नार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न पढ़ना है, कुछ सामान्य निर्देश भी हैं। पहला, देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ, जो कि आपका बहुविकल्पीय होगा, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देना है, ठीक है। और आपका फोन नंबर है, ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे कांटे ना, इरेजर का प्रयोग ना करें, और व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा, जो कि 50 अंक का वर्णात्मक होगा। इस खंड में आपके कुल 5 प्रश्न है, एंड प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो कितने खंड करने हैं, ठीक है, और अंक उनके सम्मुख निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे पहले खंड आ देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 20 मार्क्स अभी आपका पक्का हो जाएगा, पेपर में आप धुआं धुआं करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा तैयार कर लेना। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है, शांत होता है या अशांत होता है, या शांत होता है। तो मैं आपको साथ में बता देता हूं, जो दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का, वो सदैव शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, लिखा हुआ 1/67 परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या मान लो आपका 2 है, और एक अपरिमेय संख्या √5 है। तो इसका अगर आप गुणा करोगे तो 2√5 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो वो भी सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सारा तैयार कर लेना, अगर आपको मैथ में भी 90% 95% लाना है, तो सारा तैयार कर लेना। इसमें आपकी राइटिंग की नंबर नहीं कटती है, आपको फुल चांस है कि आप 100 में 100 भी ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाए हैं मैथ में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 को प्रतिच्छेद बिंदु है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4, 0, एंड सेकंड है 0, 4, एंड थर्ड आपका 0, -4 या -4, 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करोगे, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता हो तो सबसे पहले देखो, मैं आपको सारा सॉल्व कराता हूं, ठीक है। आपका समीकरण क्या है, x आपका दिया हुआ है, तो यहां 2x + 3y = 12 है। क्या है, 12। यहां x की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 0। तो अगर 0 दे रखा है, तो x के स्थान पर आप वैल्यू 0 रख दो, और प्लस 3y = 12। अब आपका 0 से 2 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 3y = 12, एंड y बराबर हमारा हो जाएगा 12/3। अब हमें y की वैल्यू जो मिलेगी, वो मिलेगा 4। तो अब अगर हमें y की वैल्यू 4 मिल गई, तो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4, पहले हम लोग x लिखते हैं, तो फिर 0, 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 0, 4, तो हमारा 0, 4 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा ये सारा, अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13, सेकंड है 65, एंड थर्ड है हमारे पास 875 या 1750।
तो अब आप लोगों को इसका आंसर तो पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो HCF ध्यान से समझना हमारा इसका, देखो HCF जो है HCF निकालना पड़ेगा। देखो 70 का हमारा शेषफल 5 है तो 70 में से 5 घटा लो जो शेषफल है, ठीक है। फिर हमारा 125 का जो शेषफल है वो कितना है, माइनस करो, माइनस करना 8, ठीक है। अब आप लोगों का जो मिले उसका HCF निकालो। HCF हमारा इसका हो जाएगा 65 और इसका हो जाएगा 117, इसी का HCF निकाल लो, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, हमारा 65 का होगा ये, अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे 13 हो जाएगा, फिर आप लोग एक बार 13 करोगे 1 हो जाएगा, फिर 117 का अभाज्य गुणनखंड, 117 जो है वो एक बार 3 से कटेगा तो 39 हो जाएगा, फिर आपका एक बार 3 से कटेगा 13 हो जाएगा, फिर आपका 13 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, ठीक है 13, तो फिर हमारा 13 सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आसान नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है तो a का वैल्यू ज्ञात करना है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/10, सेकंड है -3/10, थर्ड है -10/3 या 10/3। तो बच्चों इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपका समीकरण क्या रखा है, 2x प्लस ay बराबर 1, ठीक है, बराबर आपका 1 है, ठीक है। चलो ये अब आप लोग इसको ऐसे लिख लो, 2x प्लस ay बराबर, इसको इधर कर लो, -1 बराबर 0, ऐसे पहले दूसरा समीकरण लिख लो, दूसरा भी ऐसे लिख लो, 3x माइनस 5y और -7 इधर है, इधर ले आओ, +7 है, इधर हो जाएगा -7 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से आप बताओ a1 b1 क्या है, a1 हमारा क्या है 2 है x का गुणांक, a2 क्या है ये 3 है x का गुणांक, v1 क्या है v1 a है, v2 क्या है -5 है, c1 क्या है -1 है, c2 क्या है -7 है, ठीक है, ये -1 है। अब देखो इसका कोई हल नहीं है ना, तो a1 आपका क्या क्या है, मतलब कोई हल नहीं है, तो हमारा a1 जो होगा वो अपान a2 इक्वल टू v1 अपान v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो a1 हमारा है 2/3 बराबर v1 हमारा a/-5, ये आप लोगों का हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा 3a बराबर -10 और a बराबर -10/3, -10/3 सही हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू -10/3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, -10/3 हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² -4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों में विचार कीजिए, ठीक है। तो a है दिए गए समीकरण का विभक्तर शून्य से कम होगा, v है समीकरण का कोई वास्तविक नहीं है, c है समीकरण का विभक्तर शून्य होगा या समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, अगर हमें यहां d की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो ध्यान से, समीकरण हमारा है 2x² -4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लोग a क्या है, a हमारा 2 है, v क्या है -4 है, एंड c क्या है 3 है, ठीक है। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, d बराबर v² -4ac, ठीक है, ये सूत्र पता होगा। तो यहां हमें क्या करना है, यहां हमें मिलेगा जो आप लोगों का v का वैल्यू है -4 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3, ये हमें मिल जाएगा कितना -16 प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये आपका स्क्वायर होगा, और माइनस आप लोगों का 8 24 यानी कि 24, अब 16 में से 24 जाएगा -8 है ना, तो ये जो है -8 मिला ना, तो -8 जो है वो 0 से कम है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो है विभक्तकरण 0 से कम है और समीकरण का कोई मूल नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, इसका कोई मूल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, तो फिर देखते हैं आगे ऑप्शन में है या नहीं। तो यहां हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारा ध्यान रखना। अगला, ए वो बी सी एक आयत है जिनके तीन शीर्ष ए है 0.3, ओ है 0.3 एंड वी जो है वो 5.0, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 5, सेकंड है 3 एंड थर्ड है √34 या फिर 4 है आपका 4, ठीक है। देखो इसको आप लोग कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एक आयत बना लो, आयत की जो होती है सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसका विकर्ण खींच लो ऐसे, ठीक है, विकर्ण हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां हमारा ए है, ये हमारा V है, ये O है, ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण हमें ज्ञात करना है,
ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 0.3, वी की वैल्यू कितनी है 5.0 और ओ की वैल्यू 0.3। अब क्या करना है, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया ना, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। देखो अब आप लोग क्या करो, AV के बीच की दूरी याद करना, यानी कि AV जो होगा वो बराबर होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करो, x1 की वैल्यू है 0, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, और x2 की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस y1 की वैल्यू है 3 एंड y2 की वैल्यू है 0, ठीक है। देखो 25+9 बराबर 5 और 4, यानी कि अंडर रूट 34 हाँ ये सही है, अंडर रूट 34 हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि यदि द्विघात जो है हमारा x2+kx-5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है तो k का मान होगा, k का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको समीकरण क्या दे रखा है, x2+kx-5/4 बराबर 0, ये हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो ये समीकरण है और हमें एक ये भी दे रखा है 1/2, तो x की वैल्यू हमें 1/2 दे रखा है, तो x के स्थान पर आप 1/2 रख दो क्योंकि ये हमारा मूल है, और प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0, ये हो जाएगा 1/4 एंड प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0, ठीक है। अब यहां आप k/2 इधर ही रखो, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से k बराबर हमें मिलेगा 4/4, तो यहां से k/2 बराबर 1, और अगर k बराबर देखा जाए तो वो हमारा मिलेगा 2, k की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, k का वैल्यू कितना मिला 2 ना, तो फिर क्या दिक्कत है, 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। जितना सॉल्व करा रहा हूं सॉल्व कर लो, अभी बहुत सारे मैराथन वीडियोज आने वाले हैं मैथ का, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे का मैथ की वीडियो आएगी, मैराथन वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर मैथ के पेपर में पूरा तबाही मचाना है, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे मैथ के पेपर में, ये गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लो और सारा जितने वीडियोज आपको दिया जाए मैथ का पढ़ो, मैथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों का मैथ में ही नंबर कम हो जाता है, क्यों, अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, पढ़ लो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहला इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में होती है, उपयुक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें हमारा इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है, उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी कोण सी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदुओं सी से जाने वाली मध्यिका का मान होगा, मध्यिका का मान ज्ञात करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, मध्यिका की वैल्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 भी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोग एक फिगर बनाइए, ठीक है, एक फिगर बना लीजिए ऐसे एबीसी, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये है वी है, ये सी है, ठीक है। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री है ही, ये तो आपको पता है, लिखा भी हुआ 90 डिग्री कौन सी। ए सी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा बी सी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कर्ण निकालना है, तो 9+16 यानी कि 25, यानी कि 5 हो जाएगा ये 5, ठीक है। अब हमें माध्यिका निकालना है, तो कर्ण का आप आधा कर लो, ठीक है, मध्यिका जो होती है वो बराबर होती है कर्ण का, आधा कर लो, तो फिर हमारा 5/2 हो जाएगा बराबर 2.5 सेंटीमीटर, सही है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको पता भी होगा इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं 10 सेंटीमीटर सही होगा, कोशिश करना, नहीं लगेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगला देखो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इनकी भुजाएं दे रखी है तो इनका स्क्वायर कर लो, इनको आप अनुपात को बटे में लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर करोगे ये हमारा 16:81 हो जाएगा, तो यानी कि 16:81 कहीं है ऑप्शन में, ये
16:81 हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सारा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 4 tan θ = 3, तो आप लोगों का 4 sin θ - cos θ, 4 sin θ + cos θ बराबर होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2/3, सेकंड है 1/3, 1/2 या 3/4। तो बच्चों देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, हमें ये देखो आपका 4 tan θ दे रखा है, 4 tan θ = 3। अब यहां से अगर tan थीटा देखा जाए, tan थीटा बराबर 3/4 मिल गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 3/4, ठीक है 3/4। अब देखो 3/4 मिल गया, अब यहां हमारा 4 sin θ - cos θ है ना, और बटे में ये वैल्यू ज्ञात करना है इसका ना, और बटे में 4 sin θ + cos θ, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी ना। पहले आप cos से सम में भाग दे दो क्योंकि हमें tan में बदलना है, तो cos से भाग दोगे तो ये आपका बटे में, सारे में भाग दोगे कोई इफेक्ट नहीं है, अगर एक में दे तो हो तो आपका गलत हो जाएगा, सारे में देना है ठीक है, cos थीटा बटे cos थीटा, कोई भी चीज है अगर सारे पद में दोगे तो उससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 4 sin θ बटे में cos थीटा और प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा, cos θ कट जाएगा, और 4 sin θ / cos θ यानी कि 4 tan θ - 1, और ये हो जाएगा 4 tan θ + 1, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 दे रखा है, 3/4 ठीक है, 3/4 और -1, और बटे में हमारा है ये 4 × 3/4 + 1, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारा 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 + 1 = 4 = 1/2। 1/2 देखो ऑप्शन में है, 1/2 हमारा सही है बच्चों, तो हाँ ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है, 1/2 ठीक है, 1/2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सारा ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएगा, सारा मॉडल पेपर जो आपका ये पेपर है इसको सॉल्व कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन है, साइन आपका 75° बटे कॉस 45° का मान होगा, ऐसे क्वेश्चन का मान सदैव एक ही होता है ठीक है, क्योंकि हम कॉस को साइन 75 में बदल देते हैं और हमारा साइन 75 बटे साइन 75 का वैल्यू 1 हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग निकाल लेना, बहुत ज्यादा आसान है, 14:11 ठीक है, 14:11 आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर आप लोग कहोगे इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। दो गोले के आयतनों का अनुपात आपका 64:27 है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 16:9 हो जाएगा। अगला देखो, 1 से 10 तक का धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर मान होगा, 1 से 10, तो 1 है विषम, 3 है विषम, 5 है विषम, जो 2 से विभाज्य ना हो, 7 है, 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 25 हो जाएगा जुड़कर, और ये 5 = 5, 5 देखो ऑप्शन में होगा वही लगा दो ठीक है, 5 हमारा सही है, 5 ठीक है, 5 सही है। अगला, माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, तोरण से, आयत से, बहुभुज से, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग तोरण से प्राप्त कर सकते हैं, किससे, तोरण से ठीक है। यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य 27 हो, बहुलक 45 हो, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, माध्य बराबर, ऐसे कुछ आपका सूत्र था, याद कर लेना, आपकी बुक में मिल जाएगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा। 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, इनमें से कोई नहीं, तो 33 का आंसर आएगा ठीक है। अगला, वर्गीकृत आंकड़ों की 1 से अधिक, मतलब 1 से अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के वक्रों की प्रच्छेद बिंदु के भुज के आंकड़ों का प्राप्त करना, तो फर्स्ट 1 नंबर का है, माध्य, माध्यक, बहुलक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हमारा माध्यक काम करता है। तो 20 ऑब्जेक्टिव हमारा वायरल है, 20 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना ठीक है, इसको आपका एक वायरल पेपर है इसलिए पूरा तैयार कर लेना ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम, इसका सॉल्यूशन का वीडियो आ जाएगा जल्दी, अभी आप लोग ये समझ लो जितने प्रश्न है उसको आप तैयार करो, जो क्वेश्चन ना तैयार हो कमेंट कर दो, अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस आएंगी मैथ की। तो पहला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य कारण बताइए, यह कथन सत्य है या असत्य कारण बताना है, यह हमारा 2 नंबर का है ठीक है, इसको बता रखा है। देखो इसमें कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे तो 2 से देखो, अगर मान लो हमारा 4 है 1, 5 है, ये क्रम से आने वाली है, तो 5 का 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 20, तो ये 2 से विभाज्य है ना, तो भाई सत्य है, बिल्कुल सत्य है, कारण ये है कि ये हमारा विभाज्य होगा, बस ये समझ लो।
अगला cot 7/8, अब आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, मान ज्ञात कर लेना, यहां से cot से tan में बदल लेना, यहां से tan में बदल लेना, वैल्यू रख देना, आ जाएगा। अगला दो दो नंबर का है, एक शंक्वाकार बर्तन जिनका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, दो नंबर का क्वेश्चन है। अगला निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो बारंबार का 2 है 7 है, 12 है 15 है 8 है 6 है, दो नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉरी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना, सारे का सॉल्यूशन फटाफट से आ जाएगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा सॉल्व कीजिए, ये पेपर सॉल्व कीजिए, और भी आप लोगों के लिए क्लासेस लाई जाएंगी, बहुत सारे मैराथन वीडियो मैथ का आने वाला है, ठीक है। बिंदु जो है वो -4.6, बिंदु ए जो है वो -6.10 और बिंदु जो है बी जो है वो 3.-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, दो नंबर का क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु जो है हमारा ए जो है वो 2.3 एंड बी जो है वो 4.k और सी जो है वो 6.-3, संरेखीय कि नहीं, अगर के का वैल्यू 0 आएगा तो बच्चा संरेखीय है, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा और एक पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय में से जरूर आएगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करना, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो अच्छे से जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग मैथ में भी धुआं धुआं उड़ा कराओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, कहोगे सर वही बताया जो आपने बताया था वही आया, जैसे हिंदी में बच्चे ने धुआं धुआं उड़ा दिया, ठीक है। निम्न आंकड़ों आपको 5 प्रश्न करना है, खंड को पहला, ये ग्राफ है, ग्राफ हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ना है लेकिन देख लो, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, 4 नंबर का। खा वाला है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का, 4 नंबर का है, कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखो, गा वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के लिए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए और जिसकी लंबाई माप कीजिए। ये हमारा बच्चों रचनाएं चैप्टर से है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं चैप्टर, और मैंने बता भी रखा है कौन कौन सा तैयार करना है। घा वाला है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, बीच की दूरी, 4 नंबर का यह भी क्वेश्चन है। तो भाई 4 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। अंगा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की लंबा ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया, निम्न आंकड़े मिले, देखो ऊंचाइयां सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, लड़कियों की संख्या 4, 11 and 29, 40, 46, 51, इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक, ये भाई इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों के लिए इस पर भी वीडियो जल्द ही आएगी, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ते रहो, खुद से भी थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो, सारी चीजें पढ़ते रहो, समय कम है, ठीक है, ऐसा समय बीत जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय वाला क्वेश्चन देखो, चाय वाला, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्य है 28.5 तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता है 5x and 20 and 50 and y and 5, यहां x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x y की वैल्यू आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये 100% लिख लो कि यदि आपका निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलिए, ठीक है, 10/x + y + 2/x - y = 4 और 15/x + y - 5/x - y = -2, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा 6 नंबर को। अगर ये नहीं आता तो आप अगला देखो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युतक्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युतक्रम का 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, 6 नंबर का है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है, एंड बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप ये करो, भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और उसमें पी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से दूरी ज्ञात करना है, √3 की वैल्यू दे रखा है,
6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाइयां जो है 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे को कुछ ठीक है गोलियां जिसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का बच्चों, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब आपको वो नहीं आता तो ये करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक वेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह माप किया कि इस बर्तन में 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए इस बच्चे का उत्तर सही है या मानते हैं उपयुक्त में से मापन। ये है पाई, लगभग सही है, मैंने चेक किया है। तो वैसे इसका सोल्यूशन का वीडियो भी और भी आ जाएगा। तो ये है हमारा मैथ का एक वायरल पेपर बच्चों, और ऐसे ही आप लोगों को मैथ का पेपर देखने को मिलेगा। जितने बच्चे मैथ का पेपर देने वाले हैं 21 फरवरी को पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। अगर आप लोगों को और भी सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। 95 फोड़ कर आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी मैराथन वीडियो मैथ का लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे बहुत सारी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।